बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सेंटीमीटर क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों करें इसके बारे में जाना। इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरण द्वारा सेंटीमीटर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। बच्चों, आपको याद है ना, पिछले वीडियो में अप्पू ने चंदा को सेंटीमीटर के बारे में बताया था। आइए देखें वो चंदा को सेंटीमीटर के इस्तेमाल के बारे में क्या बता रहा है। अप्पू ने अपने झोले में से एक इस तरह की प्लास्टिक की पट्टी निकाली और चंदा के सामने टेबल पर रख दी। चंदा ने उससे पूछा कि वो प्लास्टिक की पट्टी क्या है और उसका इस्तेमाल वो वस्तुओं की लंबाई को सेंटीमीटर में नापने के लिए कैसे कर सकती है। अप्पू चंदा को बता रहा है, ये एक रूलर है, क्या तुम इस पर लिखी संख्याएं और ये खड़ी लकीरें देख सकती हो? इस पर लिखे कोई भी दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर 1 सेंटीमीटर के बराबर है। फिर अप्पू ने चंदा को उसके घर में से कुछ वस्तुएं जिनकी लंबाई वो नापना चाहती हो इकट्ठा करने को कहा। चंदा तुरंत ये वस्तुएं इकट्ठा करके ले आई। पहले अप्पू ने चंदा का चम्मच उठाया। उसने चम्मच को इस तरह से रूलर के बगल में रखा और कहा, ये देखो, तुम्हारा ये चम्मच 12 सेंटीमीटर का है। चंदा कुछ समझ नहीं पाई कि अप्पू ने ये कैसे पता लगाया। अप्पू ने उससे कहा, जब भी तुम्हें किसी भी वस्तु की लंबाई नापनी हो, तुम उस वस्तु को इस तरह से रूलर के बगल में रख लो और 0 से नापना शुरू करो। जिस संख्या तक तुम्हारी वस्तु का दूसरा छोर पहुंच रहा हो, तुम्हारी वस्तु की लंबाई उतने सेंटीमीटर होगी। चंदा रूलर के बारे में जानकर उत्साहित हो गई। उसने तुरंत अप्पू से वो रूलर लिया और उसके टीवी के रिमोट को रूलर के बगल में रख दिया। चंदा ने अप्पू से कहा, देखो अप्पू, मेरे टीवी का रिमोट 10 सेंटीमीटर लंबा है। मैं रूलर से वस्तुओं की लंबाई नापना सीख गई। ये कहकर चंदा खुशी से नाचने लगी। बच्चों, यहाँ चंदा के घर की कुछ वस्तुएं हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनकी लंबाई कितने सेंटीमीटर है? आप चाहे तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। शाबाश बच्चों, आपने इसका उत्तर बिल्कुल सही ढूंढा है। चंदा ने अप्पू को उसे रूलर और सेंटीमीटर के बारे में बताने के लिए धन्यवाद कहा और उसके घर में रखी उन रस्सियों के ढेर को एक अलमारी में रख दिया। बच्चों, इस वीडियो में हमने कुछ दिलचस्प उदाहरण द्वारा सेंटीमीटर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं इसके बारे में सीखा। अगली वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ सामान्य गलतियों को देखेंगे।